देवती रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हमने ये 1.5 किलो आलू लिए हैं, हमारे घर कुछ मेहमान आए हैं, उनके लिए नाश्ता बना रहे हैं। नाश्ते में कुछ चटपटा उनके लिए खिलाएंगे, इसलिए ये हमने आलू लिए हैं। अब आलू को हम कद्दूकस करते हैं, थोड़ा एक बड़ी तरफ से कद्दूकस करेंगे आलू को, ऐसे करके एक दाना मर जाएगा आलू का सारा। फिर हम आपको बताएंगे हम इसमें क्या क्या सामान डालेंगे, सारे आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे। अब हमने ये आलू तैयार कर लिए हैं, देखो सारे कद्दूकस कर लिए आलू को। अब इसमें हम क्या क्या सामान डालेंगे आपको दिखाएंगे। इसमें हमने देखो ये सब मसाला काट के तैयार कर लिया है, हम थोड़ी सी 2-3 हरी मिर्च काटी है, इनको इसमें डालेंगे। और हमने एक टमाटर काटा है, इसको भी इसी के अंदर डालेंगे। और हमने एक शिमला मिर्च काटी है, ये भी इसके अंदर डालेंगे। ये नाश्ता बहुत अच्छा बनके तैयार होगा। और ये हमने एक गाजर काटी है, ये कद्दूकस करी है छोटी तरफ से, जैसे वहां कम दाना पतला निकलना चाहिए ऐसा, क्योंकि ये गाजर जल्दी गलेगी नहीं, इसलिए हमने बहुत पतले दाने की बनाई है। और एक हमने 2 प्याज काटी है, ये प्याज काटी है, इस प्याज को हमने इसमें डाल दिया है, हमने सारा सामान इसके अंदर डाल दिया है। और एक निकलिएगा काटा है, इसको हम डालेंगे तो धनिया से बहुत अच्छा लुक आएगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा दिखता है। और इसमें हम इसके अंदर हमारा बेसन है, थोड़ा इसमें बेसन डालेंगे, कोई आधा पाव एक बेसन डालेंगे। और हम फिर इसमें थोड़ा सा अरारूट डालेंगे, अरारूट से एक करारे बन जाते हैं, एक तेल कम लगता है। एक मुट्ठी सूजी डालेंगे इसके अंदर, ये सब सामान डाल के और इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने से पहले इसमें एक थोड़ा सा है गाय, ये मीठा सोडा डालेंगे, इससे फ्लावट अच्छी आएगी। इसको सोडे को डालेंगे थोड़ा सा, इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, एक चम्मच मिर्ची डालेंगे इसके अंदर। अब इनको सबको हम मिला लेंगे, देखो ये पेस्ट बना तैयार कर लिया है पूरा, देखो कितना सुंदर बना है। अब इसमें से हम बड़े बनाएंगे, उस दिन बड़े बनाते हैं जब व्रत के थे, आज व्रत के बड़े नहीं है, ये सब लोग खा सकते हैं और अच्छे लगेंगे खाने में। और अब इसको हम रेस्ट के लिए रख देते हैं, अब हम चटनी बनाएंगे नारियल की, और दोनों चटनियों को बनाएंगे की तैयारी करते हैं। अब ये नारियल की चटनी बनाएंगे, 4 हरी मिर्च ली है, 1 अदरक का टुकड़ा दिया है, इसको इसमें अंदर डाल देते हैं। और थोड़ा हम इसमें दही डालते हैं, थोड़ा दही डाल देते हैं, देते हैं ये सूजी का दाना है 1 कटोरी, इसको इसमें डाल देते हैं। आधा कटोरी हमारे भुने हुए चने हैं, और ये चने छिले हुए हैं, इनको डाल देते हैं इसके अंदर। और फिर इसके अंदर हम एक कोकोनट का बुरादा डाल देते हैं, 1 कटोरी कोकोनट बुरादा डाल देते हैं इसके अंदर। अब इन सब चीजों को हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं इसके अंदर। अब इन सब चीजों को हम पीस लेते हैं, ये देखो इतनी गाढ़ी होनी चाहिए, ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, कितना सुंदर बनकर तैयार होती है। अब इसको पलट लेते हैं, फिर हरी चटनी बनाएंगे, इसी के अंदर हरी चटनी बनाएंगे। इतनी पुदीने की चटनी तैयार कर लेते हैं, हम इसी जार के अंदर पीसेंगे जिसमें हमने नारियल की चटनी पीसी थी। इसमें 1 इंच अदरक डालेंगे, ये हमारे पास है, और 1 चम्मच इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, ये हमारी चटनी ज्यादा है। और 1 चम्मच हम खटाई डालेंगे इसके अंदर, और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, और ये पीस के तैयार हो जाएगी। अब इसको कटोरी में कर लेते हैं, और बाद में बड़े आपको बनाकर दिखाएंगे, कितनी सुंदर चटनी बनकर तैयार हुई है। इसमें हम बड़े बना के आपको दिखाते हैं, तेल का हाथ लगा के इन बड़े को बनाएंगे, और बहुत सुंदर बनेंगे, और फिर आपको दिखाएंगे कैसे बन जाएंगे। ऐसे बनके तैयार होंगे, और सारे बड़े हम इनको बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे इससे क्या नहीं है बड़े। बाकी बड़े हमारे बन जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कैसे पकते कैसे।
हमारे अभी बड़े बनके तैयार हो चुके हैं। अब देखो इनको ले जाकर सेकेंगे, सेक के आपको दिखाएंगे कैसे बने हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। सारी सब्जियां पड़ी हुई हैं इसमें, बहुत हेल्थी होते हैं, बच्चों को खिलाने में बहुत अच्छे रहते हैं। सिक रहे हैं और धीरे धीरे इनको सेक रहे हैं, ये लाल हो जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि देखो हमने कितना छोटे छोटे डाले थे और कितने बड़े बड़े हो गए कुल्चे, कितना मोटा तैयार हो गया कुल्चे, कितना सुंदर लग रहे हैं। अब इनको निकालेंगे, देखो कितने सुंदर बन चुके हैं, इनको निकाल के आपको दिखाते हैं कितने प्यारे हैं। इनका लाल कलर हो जाना चाहिए, जब ये अच्छे लगते हैं खाने में। हमने नारियल चटनी बनाई है, हरी धनिया पुदीने चटनी बनाई है, हमने लाल चटनी के पोल रखे हुए हैं और खाने बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, हेल्थी बहुत होते हैं। सारी सब्जियां पड़ी हुई है और आपके पास जो सब्जियां डाल सकते हैं उसके अंदर। और आपको वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करना, अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।